ये देखिए गाइस कितने टेस्टी और कितने यम्मी चटनी के साथ ये सेजवान चटनी या जो हमने ये चटनी बताई हुई है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमने बता दी थी पहले ही पिछली वीडियो में, तो वही चटनी है ये, उसी तरह से बनाई है। और ये बेसन के चीले तो काफी ये हेल्दी हैं, काफी टेस्टी हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमने कैसे बनाए हैं, तो देखते हैं अपनी पूरी वीडियो, तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। हम एक नई सी रेसिपी लेके आए हैं। आपने बेसन के चीले बहुत खाए होंगे बट इस तरह से नहीं खाए होंगे, तो चलिए आज देखते हैं हम किस तरह से बना रहे हैं। तो ये कटोरी हमने बेसन ले रखा है, तो चलिए अब हमें देखिए कि क्या करना है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट हम ऐड, पहले हम बेसन को थोड़ा सा पानी डालकर हम करेंगे नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे लंग फ्री बैटर बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और बैटर बनाएंगे, ठीक है, गांठे नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो इसी तरह से इसी हिसाब से हमें इसे बनाना है। ये देखिए लंग फ्री बन गया है बैटर। गाइस पिछली वीडियो में हमने बताया था लाई से बनाना, इस वीडियो में बता रहे हैं बेसन से बनाना। तो ये देखिए टमाटर एक मीडियम साइज कटा हुआ, धनिया पत्ती और एक छोटा सा प्याज, तो अपने हिसाब से ये सारी चीजें लेनी है। एक बड़ा आलू चॉप किया हुआ, थोड़ा सा कम और ज्यादा कर सकते हैं आप आलू, ठीक है, जिस हिसाब से बच्चे पसंद करें। बीन्स ले ली है हमने दो कटी हुई, दो बड़े चम्मच। ये हमने हरी मिर्च ली है दो कटी हुई, इसको भी हम अच्छे से आपस में मिला लेंगे। ये देखिए अपने कुछ मसाले ले लेंगे, तो लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए धनिया पाउडर, सॉरी कलर के लिए हल्दी पाउडर, और ये हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये रही थोड़ी सी हींग दो पिंच के करीब, और इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे अपनी अजवाइन, ये देखिए। तो इसको हम हाथ पर लेकर ऐसे मसलते हुए डालेंगे, प्रेस करते हुए, और इन सबको मिला लेंगे आपस में। अब इसमें जो चीज आप ना खाते हो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एक टेबल स्पून हमने डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, और गाइस इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे अच्छे से सेट हो जाने के लिए। ये देखिए गाइस हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फ्लफी बने इसलिए, और अगर बेकिंग सोडा आपके पास नहीं है तो आप इनो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए गाइस उसी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर हमने इसको गरम कर लिया, क्योंकि देखिए गाइस जनरली सबके घर में फ्राई पैन वैसे नॉनस्टिक पैन नहीं होते इस वजह से। और अब इस पे हम अपना एक एक स्पून डाल देंगे संभालते हुए और फैला देंगे अच्छे से, ठीक है, इस तरह से, और इसको अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखेंगे जिससे कि ये जले नहीं और अंदर तक कुक हो। देखिए इस तरह से फैला देंगे अच्छे से इवन करते हुए। ये देखिए उसी तरह से अब हम इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे ढककर। ये देखिए गाइस इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेके इधर उधर से डाल देंगे, ठीक है, और इसे पका लेंगे। चलिए गाइस देखते हैं अपना, ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है और बेकिंग सोडा डालने की, बेकिंग पाउडर डालने की वजह से कितना अच्छे से फ्लफी भी हो गया। तो इसको हम निकालते हैं, देखिए कितनी आसानी से छूट रहा है, इसको पलट देंगे ऐसे ही, और ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर नॉनस्टिक पैन नहीं है फिर भी आप नॉनस्टिक की तरह बना सकते हैं। तो चलिए अब इस तरह से सेक लेते हैं, अब ढकने की जरूरत नहीं है। ये देखिए गाइस आसानी से उलटते पलटते सेक लेना है, तो देखिए किस तरह से कितना प्यारा बन के आया है, और इसमें ग्रीन ग्रीन जो सब्जियां और रेड सब्जी जो टमाटर है, ये देखिए टमाटर और ग्रीन सब्जियां बहुत टेस्टी हुआ है। तो सारे बनाते हैं फिर मिलते हैं इसी तरह से, इसको अलग हटा के रखते हैं प्लेट पर। ये देखिए गाइस इसी तरह से हम दूसरा भी डालेंगे और वो भी बना लेंगे। तो इसी तरह से गाइस सारे बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को बनाने में, और आराम से आप जितना बड़ा चाहें और जितना छोटा चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए सारे हम बनाते हैं फिर मिलते हैं आके आप लोगों से। ये देखिए गाइस हमारे बनकर तैयार हैं, कितने प्यारे कितने यम्मी चीले, ठीक है, तो चलिए इनको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस टेस्टी और यम्मी चटनी के साथ सर्व करिए
अपने ये नाश्ते। और गाइस ये इतना हेल्दी है कि अगर दो पराठे इसके खा लिए चीले तो सारा दिन भूख नहीं लगेगी, इतनी यम्मी इतनी टेस्टी। तो अगर हमारे ये बेसन के चीले या बेसन की वेजिटेबल्स के साथ चीले अगर आपको पसंद आए हो देख तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।